एमपी के छतरपुर में श्री कृष्णा विश्वविद्यालय के द्वारा एक प्रोग्राम रखा गया, जिसमें बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी से छात्र छात्राओं ने प्रश्न किए। युवाओं के मन में क्या चल रहा है उस पर बात की। संसार की भौतिक संसाधनों पर विवाद की। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी ने सभी छात्र छात्राओं के प्रश्न के जवाब दिए। हिंदू सनातन की बात की। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी ने कहा, भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। आज भगवान बागेश्वर बालाजी की कृपा से श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी में युवाओं से और यहाँ के सभी विद्यार्थियों से प्रश्नोत्तरी थी, जीवन उपयोगी, अध्यात्म संबंधी, विद्या संबंधी एवं सफलता प्राप्त करने के लिए सभी युवाओं ने अपने अपने मन के संदेह को रखा। जो भी हमारी सामर्थ्यता थी, भगवती सरस्वती की जो भी कृपा थी, हमने अपनी कोशिश पर उनको उत्तर दिए। बहुत अच्छा लगा। युवा जब सनातन की बात करता है, युवा जब आगे बढ़ने की बात करता है, युवा जब संघर्षशील से आगे बढ़ कर के सफलता पाने के लिए की बात करता है, इससे तय होता है कि भारत हमारा बदल रहा, भारत का युवा बदल रहा और सनातन की बहार चल रही है। महाराज, इस प्रकार के संवाद से छात्रों में किस प्रकार की ऊर्जा आएगी? इस प्रकार के संवाद से एक तो युवाओं में बहुत कॉन्फिडेंस, आत्मबल बहुत बढ़ेगा। दूसरा, इससे स्पिरिचुअलिटी बहुत आवश्यक है। जैसे वर्तमान में युवाओं के पास में शिक्षा बहुत है, पर शिक्षा के साथ साथ अभी युवाओं को संस्कृति की बहुत आवश्यकता है। ये भी बल प्राप्त होगा, उनको जीवन जीने की भी कलाएं प्राप्त होंगी। और इस प्रकार के संवाद से युवाओं में एक नई ऊर्जा ये भरेगी कि जब महाराज जी ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। जैसा कि महाराज जी, देखा जाता है कि हिंदू जो लोग हैं वो सनातन की बात तो करते हैं, लेकिन हिंदू ही हिंदू का विरोध करते हैं, ऐसा क्यों है महाराज जी? ये आदि काल से है, जयचंद सदा से होते रहे, तो वो DNA अभी खत्म नहीं हुआ है। धन्यवाद। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।